तहसील राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से शिवाजी चौराहे पर दो तरफ गतिरोधक लगाए जाने की मांग को लेकर सुबह रास्ता का आंदोलन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पारशिव ने रामटेक सावनेर मार्ग पर सीमेंट का रास्ता बनाया है। यह रास्ता बड़ा होने से यहां से हजारों बड़े वाहन रोजाना गुजरते हैं। वही इसी चौक से स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बड़े बच्चे रोजाना गुजरते हैं। वही छोटे बड़े वाहन बड़ी तेज रफ्तार से यहाँ से गुजरते हैं, जिस कारण दुर्घटना होने की संभावना है। बार बार कंपनी प्रशासन को इस बात की जानकारी देने के बाद निवेदन देकर इस रास्ते पर गतिरोधक बनाने के लिए मांग की गई, फिर भी प्रशासन ने लोगों की मांग को अनदेखा करने की वजह से यहां पर दुर्घटना आए दिन होने से आखिर मंगलवार की सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से शिवाजी चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। रास्ता रोको करने से सावनेर रामटेक रोड पर वाहनों की कतारें खड़ी हो गई, इस वजह से जाम लग गया था। आंदोलन को देखते हुए तहसीलदार वरुण कुमार ने मौके पर आकर आंदोलनकारियों की समस्या को हल करने और शिवाजी चौक पर गतिरोधक लगाने के लिए संबंधित विभाग से बात करने की आंदोलनकारी नागरिकों को आश्वासन दिया। अनुचित प्रकार ना हो इसलिए पारशिवनी पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। आम्ही इथे आज आंदोलन करण्याचा एक हेतु होता कि इथे जो नॅशनल हायवे आहे इथे गाड्या येणाऱ्या जाणाऱ्या अति वेगाने चालले आहे, इथे स्टॉप लागला पाहिजे त्या गाड्यांना। त्यासाठी आम्ही आज इथे आंदोलन करण्यात आला आहे। आणि समजा हे आंदोलन सक्सेस झालंय किंवा नाही झालंय तर येत्या 10 ते 15 दिवसांमध्ये अजून इथे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे इच्छा। हा येत नाही नगरपंचायतच्या प्रशासनाच्या अंडरमध्ये, हायवे अथॉरिटीमध्ये आम्ही निवेदन दिलं, नगरपंचायतला निवेदन दिलं, तहसीलला निवेदन दिलं, PWDला निवेदन दिलं आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या अभियंत्यालाही निवेदन दिलं की बा तुम्ही इथे लवकरात लवकर इमर्जन्सी बेसिसवर तुम्ही इथे ब्रेकर लावा, अन्यथा काय होईल। कारण की इकडनं जाणारे वाहन जसं सावनेर टू रामटेक, रामटेक टू सावनेर अतिवेगाने जाते, पण पंचायत कुणाची येते, गावस्थ लोकांची येते। गावस्कार कारण की इकडून इकडे जातात तर काही दिसत नाही बरोबर। आता उद्या चालून एखादा फॅमिलीमध्ये एखादा कर्ता पुरुष आहे, फॅमिली मॅन आहे, त्याचा अपघात झाला, अनायसे व्हायला तर नाही पाहिजे पण झाला, अनायसे अपघात झाला, पण त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची राहील? नगर प्रशासन घेत आहे का त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी? तरी आम्ही राष्ट्रीय महामार्गाने सुचवलं की तुम्ही लवकरात लवकर लावा।